हे फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मूवीज पे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शी हल्क अटर्नी एट लॉ का एपिसोड 5। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। जैसे कि दोस्तों हमें पता है कि टाइटेनिया ने शी हल्क के नाम को ऑलरेडी ट्रेडमार्क कर रखा है, जिसके लिए उसने जेनिफर पर केस किया है। पर पूरे एपिसोड में हमें यही दिखाया जाएगा कि शी हल्क टाइटेनिया से कैसे वो केस जीतती है। हर तरफ टाइटेनिया की ही एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है, साथ ही वो अपने भाई को भी देख सकती है जो उसके शी हल्क के प्रोडक्ट को सेल करने में मदद कर रहा था, जिस कारण वो अपने भाई को बताती है कि टाइटेनिया ने उसके नाम के लिए ही उस पे केस किया है। ये बात सुन के उसका भाई थोड़ा ऑफेंड हो जाता है, लेकिन वो जेनिफर को बताता है कि जो पहले ट्रेडमार्क करवा लेता है नाम उसी का हो जाता है। दूसरे दिन हमें दिखाया जाता है शी हल्क के प्रमोशन पर भी पहुंचती है, जहां वो सारे प्रोडक्ट को देखकर काफी शॉक्ड है क्योंकि सारे ऑलमोस्ट सेम ही काम करते हैं। इसी दौरान उसकी मुलाकात टाइटेनिया से होती है, जिसे जाकर वो ये सारी चीजें बंद करने को कहती है, लेकिन टाइटेनिया का यही जवाब होता है कि उसने इस नाम को पहले ही ट्रेडमार्क करवा लिया है। इसके बाद वो अपने ऑफिस पहुंचती है और वहाँ वो उस बात को लेकर काफी चिढ़ी हुई है। इसी दौरान निक उसे कहती है कि तुम्हें तो ये नाम पसंद ही नहीं था। तभी जेनिफर कहती है कि हाँ ये सच है, लेकिन उसने इस नाम को अपना लिया क्योंकि लोगों को ये काफी पसंद है। साथ ही उसे टाइटेनिया पर इतना गुस्सा आ रहा है कि उसने अपना स्टेपलर ही तोड़ दिया था। जो बात उसे निक बताती है और वो उसे कहती है कि जल्द ही वो इन चीजों से बाहर निकल आएगी। और जैसे ही निक बाहर निकलती है तो उसकी मुलाकात पग से होती है, जो उसे ये बताता है कि उसे एक फेवर चाहिए, वो भी लाइन में खड़े होकर जहाँ उसे स्निकर्स मिलने वाले हैं। वो कोई ऐसे वैसे स्निकर्स नहीं, बल्कि आयरन मैन 3 के स्निकर्स हैं, और वो भी लिमिटेड पैड। लेकिन एक पर्सन को एक ही पैड मिल रहा है, जिसलिए उसने ये डिसाइड किया है कि वो निक की मदद से 2 पैड लेगा और उन्हें सजा कर अपने घर रखेगा, जिसमें वो उसकी हेल्प करने को तैयार है। लेकिन उसी के साथ पग उसे ये भी बताता है कि उसके पास एक ऐसा शख्स है जिसके पास हर किस्म की फैशन की चीजें मिलती हैं, साथ में ही वो उन चीजों को तुम्हारे हिसाब से बनाकर दे देता है। ये बात सुन निकी ये डिसाइड करती है कि वो सुपर ह्यूमन साइज के कॉस्ट्यूम बनाएगी, वो भी शी हल्क के लिए, क्योंकि उसे लगता है कि शी हल्क काफी बोरिंग कपड़े पहनती है। फिर पग उसे लेकर एक ब्यूवा कैफे पहुँचता है, जहाँ उनकी मुलाकात एक शख्स से होती है जो अवेंजर्स की टी शर्ट नहीं बल्कि अवेंजर्स और इवेंजर्स की टी शर्ट बेच रहा है। वो कहता है कि अगर उन लोगों ने कोई चीज ना खरीदी तो वो उस शख्स का एड्रेस नहीं बताएगा, जिस कारण निकी उससे कुछ सामान खरीद लेती है और उस शख्स के ऑफिस के पास पहुंच जाती है, लेकिन वो उनको अपॉइंटमेंट तो दे देता है। ये बात सुन के कि निक को अवेंजर्स के किसी मेंबर के लिए कॉस्ट्यूम बनाना है, और अगर बात करें शी हल्क की तो वो पहले अपने बॉस के पास जाती है उसके केस को लेकर, लेकिन वो उसे शांत रहने को कहता है, जिससे वो ये डिसाइड करती है कि वो अपना केस मेलरी बुक को देगी। और अगर आपको पता नहीं तो मैं बता दूं कि मेलरी बुक को हमने कॉमिक बुक में भी देखा है, और कॉमिक बुक में वो जेनिफर की रेवल है, यानी कि रॉयल स्टफ में। जैसे ही जेनिफर उसे टाइटेनिया के केस के बारे में बताती है तो उसे कहती है कि वो इस केस को लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन एज अ प्रोफेशन। साथ में ही वो ये नोटिस करती है कि बाहर निक खड़ी उनकी बातें सुन रही है, जिस वजह से वो निक को जेनिफर के लिए अच्छे कपड़े सजेस्ट करने के लिए कहती है। इसके बाद हमें सीधा कोर्ट रूम दिखाया जाता है, जहां हम देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत बहस के बाद हमें ये तो पता चल गया है कि शी हल्क को उसका नाम शुरू से ही पसंद नहीं था। लेकिन मेलरी एक इंटरव्यू दिखाती है जिसमें हमने देखा था कि वो कहती है कि ये नाम उसे पसंद नहीं है, लेकिन वो अब उसके साथ जुड़ चुका है। अगर बात करें टाइटेनिया की तो वो शी हल्क से बहुत खार खा चुकी है कि वो उसे देखकर ही काफी चिढ़ी हुई है, और इतना ही नहीं बल्कि वो कोर्ट में बैठकर अपने प्रोडक्ट की ही तारीफ कर रही है। साथ ही कोर्ट ने ये डिसाइड किया है कि जेनिफर को कुछ और टाइम दिया जाएगा, जिसमें वो ये साबित करे कि टाइटेनिया के ट्रेडमार्क करने से पहले वो इस नाम को लीगली या फिर अपनी पर्सनैलिटी रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल कर रही थी। कोर्ट रूम में से निकलने के बाद शी हल्क निक को लेकर युग के पास पहुंचती है, यानी कि उसी कॉस्ट्यूमर डिजाइनर के पास, जहां निक शी हल्क को ये बताती है कि उन लोगों ने उसे ये बताया है कि वो अवेंजर्स में है, जो बात झूठ है। जब युग की मुलाकात शी हल्क से होती है तो वो उसे देखकर काफी शॉक्ड है क्योंकि उसने उसका नाम कभी सुना नहीं, लेकिन निक उसे कहती है कि बहुत जल्द उसे अवेंजर्स में शामिल किया जाएगा।
जिसके लिए प्रिपरेशन चालू है और उसके लिए उसे एक अच्छा सा सूट चाहिए। लेकिन एक्चुअल में वो कन्फेस तब होता है जब निक उसे ये बताती है कि बाय ब्लड से वो हल्क की कजन है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल जैसे ही ऑफिस पहुँचती है तो उनकी मुलाकात मैलरी से होती है। उसके साथ एक पर्सन होता है जिसका नाम टॉड है। वो यहाँ पर अपने किसी केस के सिलसिले में आया था, जिसे देख शेयल को ये आइडिया आता है कि उसने पहले भी अपना ये नाम इस्तेमाल किया है, यानी कि डेटिंग ऐप पर उसने अपनी प्रोफाइल शेयल के नाम से बनाई थी, जिससे कोर्ट में ये साबित हो जाएगा कि वो शेयल के नाम को काफी टाइम से यूज कर रही है और वो अपनी पर्सनैलिटी को इस नाम से रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन इसके लिए अब उसे उन सारी डेट्स को बुलाना होगा जिसके साथ उसने डेट किया है। और दूसरे दिन हम कोर्ट में देख सकते हैं कि मैलरी शेहल्क की उस प्रोफाइल को रखती है, जिसमें हम देख सकते हैं कि शेहल्क ने अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए मेन ग्रीन एम स्टेट पॉन्ड इनटू दिस जीन्स लिखा है, जो काफी अजीब है। लेकिन इसी के साथ हम ये भी नोटिस कर सकते हैं कि टाइटेनिया कोर्ट रूम में बैठ के उन सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रही है। साथ ही हम देख सकते हैं कि मैलरी कोर्ट रूम में उन सारी डेट्स को भी बुलाती है जिनसे शेहल्क ने डेट किया था। इसमें हम देख सकते हैं कि शेहल्क ने जिसे लास्ट में डेट किया था वो उससे काफी इम्प्रेस्ड है। साथ में ही वो बताता है कि अगर वो अपनी रियल पर्सनैलिटी के साथ यानी कि जेनिफर वॉल्टर्स के नाम से प्रोफाइल बनाती तो वो उसे कभी डेट नहीं करता, क्योंकि जेनिफर उसके टाइप की नहीं है लेकिन शी हल्क है, जो बात डेफिनेटली जैन को पसंद नहीं आती। और इतने सारे गवाहों और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट अपना फैसला शी हल्क के फेवर में देती है। साथ में ही टाइटेनिया को उन सारे प्रोडक्ट्स में से अपना नाम निकालने को कहा गया है, जिस बात से टाइटेनिया काफी नाराज है, जिससे वो जेनिफर को कहती है कि ये चीजें जल्दी खत्म होने वाली नहीं है। और कोर्ट रूम से निकलते ही हम देख सकते हैं कि मैलरी जैन को कहती है कि अंदर जो भी शख्स ने कहा वो उससे ज्यादा डिजर्व करती है, तो उन बातों को दिल पर मत लेना। और जबकि जेनिफर ये केस जीत चुकी है तो वो मैलरी को ड्रिंक पर इनवाइट करती है, जिसके दौरान हम देख सकते हैं कि वो शी हल्क नहीं बल्कि जेनिफर के रूप में बैठी है। इसके साथ हम देखते हैं कि मैलरी और जेनिफर की अच्छी दोस्ती भी हो जाती है। लेकिन जाते जाते मैलरी उसे याद दिलाती है कि वो अपने टायर्स को चेंज करने वाली थी, जिससे उसे ये याद आता है कि उसे युग के पास जाना है। वो वहाँ से निकल सीधा युग के पास पहुँचती है, जहाँ पर उसने उसके लिए काफी ड्रेसेस सिलेक्ट किए हुए थे। लेकिन इसी के साथ हम वहाँ देख सकते हैं कि उसके कुछ सूट पिकअप करने के लिए एक लॉयर यानी कि मैट मडॉक डेयर डेविल पहुंचने वाला है। इसके साथ हम देख सकते हैं कि आने वाले एपिसोड में हमें डेयर डेविल को दिखाया जाएगा, वो भी उसके न्यू कॉस्ट्यूम के साथ। इसके साथ ही हम शेहल्क को उसके न्यू अटायर्स में देख सकते हैं। तो इस एपिसोड में बस इतना ही, जिसके लिए आपकी क्या राय बनती है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपको मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो या रिकैप के साथ। तब तक के लिए आप मूवीज चैनल की और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। बाय बाय।